नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं असाइनमेंट 3 का क्लास 10वीं सब्जेक्ट इंग्लिश का सॉल्यूशन, और वो भी पूरे हर एक वर्ड को समझा कर बताऊँगा, ट्रांसलेट करके हिंदी में बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपको यहाँ पर हर चीज़ अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन राइट। What does Louis like and does not like about school and teachers? तो लुई को अपने स्कूल और टीचर के बारे में क्या पसंद था और क्या पसंद नहीं था, ये आपको बताना है। तो उसका आंसर है, देखिए, लुई लाइक टू बी इन हिज रेगुलर क्लासेस। लुई को अपने रेगुलर क्लासेस में आना अच्छा लगता था क्योंकि ही वॉन्ट्स टू लर्न फ्रॉम हिज टीचर, क्योंकि उसे अपने जो शिक्षक टीचर थे उनसे पढ़ना अच्छा लगता था, सीखना अच्छा लगता था। ही वॉन्ट्स टू बी इन द कंपनी ऑफ अदर स्टूडेंट, उसे दूसरे जो विद्यार्थी थे, छात्र थे, उनके साथ में रहना उसको अच्छा लगता था। लुईस डज नॉट लाइक वेन पीपल मूव अराउंड, लुई को ये पसंद नहीं था जब लोग उसे छोड़कर चले जाते थे। लाइट्स एंड नॉइज इज़ आल्सो डिस्टर्ब लुई, और जो लाइट और नॉइज थे वो भी लुई को परेशान करते थे, वो भी उसे पसंद नहीं थे। ही आल्सो डज नॉट लाइक टीचर्स वेन दे प्रेज हिम इवन इफ ही इज़ गिविंग रॉन्ग आंसर, और लुई को ये भी पसंद नहीं था कि जब वो गलत आंसर बताता था और टीचर उनकी तारीफ करते थे, तो उसे ये भी पसंद नहीं था। दिस आर द थिंग्स लुई लाइक एंड डज नॉट लाइक अबाउट स्कूल एंड टीचर्स। तो यही वो चीज़ें हैं जो लुई को अपने टीचर और स्कूल के बारे में पसंद थे और पसंद नहीं थे। ये हो गया पहले का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डज लुई हैव। तो लुई को क्या प्रॉब्लम था आपको ये बताना है। तो उसका आंसर है, लुई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट। जो लुई था उसे अपने विचारों को व्यक्त करना नहीं आता था, अपने विचारों को खुलकर वो बता नहीं सकता था। ही वॉज नॉट स्पेशल चाइल्ड हु सफर्ड फ्रॉम ऑटिज्म, वो कोई स्पेशल कोई विशेष विशेष बच्चा नहीं था। दिस आर द प्रॉब्लम्स लुई हैड, ये उसके समस्याएं थी। अब देखिए यहाँ पर, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो पोयम है आपका इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड, उसमें से कुछ वर्ड आपको निकाल कर यहाँ पे लिखने हैं। जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं वहाँ पे आपको लिखना है। सम बॉयज यूज बैड वर्ड्स अबाउट द चिल्ड्रन एंड डिस्टर्ब द बॉयज प्लेइंग एट द बैकयार्ड, द पोएट कॉल्ड देम। देखिए, कुछ बच्चे जो है बुरे शब्द बोलते हैं और डिस्टर्ब करते हैं जो पीछे साइड में खेल रहे हैं, तो पोएट उसे क्या नाम दिया गया है। तो पोएट ने वो जो पोयम है इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड उसे में ऐसे बच्चों को क्या कहा है, तो ऐसे बच्चों को जो कहा गया है वो है बैड बॉयज। तो पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा बैड बॉयज। सेकंड है, इन द लाइन ऑफ पोएम सम नीड अ स्पेशल ट्यूब टू ब्रेथ, हियर ब्रेथ ट्यूब मीन्स। यहाँ पर पूछा गया कि ब्रेथ ट्यूब मीन्स क्या होता है। तो ब्रेथ ट्यूब मीन्स होता है एपरेटस यूज बाय पीपल हु हैव प्रॉब्लम इन ब्रीथ। तो एपरेटस मतलब एक प्रकार का वो औजार है, उपकरण है, जो उन लोगों के द्वारा यूज किया जाता है जिन्हें सांस लेने में समस्याएं हैं, ठीक है। और तीसरा है, इन द पोयम द वर्ड इज यूज फॉर लुका छिप्पी एंड छुपा छुपाई। तो कौन सा वर्ड यूज किया गया वहाँ पे, हाइड एंड सीक। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहा गया, यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग द नेम ऑफ द स्टूडेंट फॉर क्विज कंपटीशन टू बी हेल्ड ऑन 15th December 2020। ठीक है,
तो आपको एक नोटिस लिखना है स्कूल के नोटिस बोर्ड पर, और आप एक कल्चरल सेक्रेटरी है अपने स्कूल का, तो नोटिस लिखना है क्विज कॉम्पिटिशन के लिए। ठीक है, तो नोटिस कैसे लिखेंगे? सबसे पहला अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए, आप ये चेंज करके अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया अलाउंस पब्लिक स्कूल बेमित्रा सीजी, यहाँ पे डेट डाल दिया 10 दिसंबर, यहाँ नोटिस, ये समझ लिए आपका ये नोटिस बोर्ड है, वहाँ पे आप लिखना है क्या है क्विज कॉम्पिटिशन। ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 10 to 12th हियर बाय इन्फॉर्म दैट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन ऑन 15 दिसंबर इन द स्कूल ऑडिटोरियम हॉल फ्रॉम 12 PM to 3 PM। क्विज टॉपिक है मैथ साइंस एंड GK। क्विज टॉपिक मैथ साइंस एंड GK। इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन रजिस्टर देमसेल्फ विद अंडरसाइंड बिफोर 13 दिसंबर। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, राहुल वर्मा कल्चरल सेक्रेटरी। ठीक है, यहाँ आप किसी अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इस टाइप का ये रहेगा, आपको एक नोटिस लिखना है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन में आपको लिखना है, क्वेश्चन है यू आर कृतिका और करण, अगर आप लड़की है तो कृतिका और लड़का है तो करण, ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक एंड लॉकडाउन योर फादर इज फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फीस कंसेशन। तो क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है अपने प्रिंसिपल को, विषय रहेगा कि कोरोना महामारी की वजह से आपके जो पिताजी है उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उसके वजह से, तो आपको अपने फीस को कम करने के लिए या माफ़ करने के लिए उस प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो कैसा लिखेंगे आप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम लिखेंगे अलाउंस पब्लिक स्कूल बेमित्रा सीजी। अब सब्जेक्ट लिखेंगे फी कंसेशन ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से बिल्कुल आपको इसी तरह से लिखना है, रिस्पेक्टेड सर। सब्जेक्ट है फी कंसेशन ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम। रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12A इन योर स्कूल। आई बिलोंग टू पुअर फैमिली। ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक माई फादर्स इनकम रिड्यूस फ्रॉम 8,000 to 4,000 rupees पर मंथ। दैट्स वाई आई एम अनेबल टू पे माई फीस टिल कोरोना पेंडेमिक। सो काइंडली ग्रांट मी सम फी कंसेशन सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई स्टडीज इन योर स्कूल। आई विल एवर रिमेन थैंक यू टू यू फॉर दिस काइंडनेस। थैंकिंग यू योर ऑबिडेंट स्टूडेंट। अब वहाँ पर दिया गया है नाम, वही नाम आपको लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया है, करण क्लास, यहाँ पे क्लास 12A। ठीक है, आप यहाँ जो क्लास है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, 10th के स्टूडेंट 10th लिखेंगे, 12th के 12th लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से लेटर आपको लिखना है प्रिंसिपल को। क्वेश्चन नंबर 5th है, बहुत आसान है, ग्रामर का बहुत आसान वाला ग्रामर दिया है। क्वेश्चन 5th में कहा गया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव करंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब देखिए जो वर्ब दिया गया है उसका करेक्ट फॉर्म हमको यूज करना है क्वेश्चन के सेंटेंस के हिसाब से। आई वुड लाइक टू बाय अ डॉग, यहाँ पे टू बाय आएगा, सेकंड इसमें आएगा टू बाय, फिर उसके बाद सेकंड में आएगा बिफोर लिविंग द हाउस, ये हाँ ये वर्ड मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, ये नहीं आया। ठीक है, लिविंग द हाउस आई ऑलवेज चेक इफ़ ऑल लाइट्स आर स्विच ऑफ, यहाँ पर आएगा लिव जो ब्रैकेट में दे गए उसका लिविंग ING लगाकर आपको लिविंग करना है। आई लव वॉचिंग मूवीज एट नाइट, यहाँ पे वॉच का ING लगाकर वॉचिंग करना है। तो ये हो गया दोस्तों आपका पूरे असाइनमेंट का सॉल्यूशन। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।